फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से और आज मैं आपके लिए अपना रिव्यू लेके आया हूँ पोर्टेबल एक्सरेज का। मैं 2-3 साल से अब पोर्टेबल एक्सरेज यूज कर रहा हूँ और ये मेरे लिए अब डे टू डे रूटीन डेंटिस्ट्री का पार्ट है। अगर मेरे को कोई नया क्लिनिक खोलना पड़े आज की डेट के अंदर तो मैं शायद बिना पोर्टेबल एक्सरेज के नहीं खोलूंगा, क्योंकि वो मुझे पसंद ही इतने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोर्टेबल एक्सरेज के अंदर कोई कमियां नहीं होती, कॉस्ट ज्यादा होती है, तो क्या वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये पोर्टेबल एक्सरेज आपकी प्रैक्टिस के लिए बने हैं या नहीं बने, आज मैं इन्हीं बातों का डिस्कस करूंगा। और आप जैसे देख रहे हैं मेरे पास 3 एक्सरेज है पोर्टेबल। ये मेरे पास फर्स्ट वन है एलेरियो का, सेकेंड वन है जेनोरे का और थर्ड वन है, ये कोई लोकल कंपनी है, इंडियन या चाइनीज आई डोंट नो, वो इसका कॉर्ड वाला पोर्टेबल एक्सरे है हमारे पास। और आज हम इन 3 एक्सरे के बारे में बात करेंगे कि इनकी कॉस्ट क्या है, इनकी बैटरी लाइफ क्या है, बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट क्या है, इनका वेट कितना है, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एक बैटरी चार्ज पे ये कितने एक्सरे शूट कर लेती है वगैरह वगैरह। हम ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जब ये जेनोरे का एक्सरे खरीदा, ये मैंने 2018 के अंदर परचेज किया है और ये ओल्ड मॉडल है। आज इसके टाइम में एक इससे अपग्रेडेड मॉडल आता होता है और ये मैंने उस टाइम पे 1,15,000 रुपए का खरीदा था। आज के टाइम में शायद अपग्रेडेड मॉडल इससे भी महंगा है, आई थिंक वो 1,30,000 का एग्जैक्ट प्राइस मुझको नहीं पता है। इस एक्सरे के अंदर अच्छी बात तो ये पोर्टेबल है, यही अच्छी बात है। और इसका जो मेन जो मेरे को दिक्कत लगती है वो क्या है, इसकी शेप के साथ लगती है। इसको मेरे को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है, तो मुझे इस चीज के अंदर इसकी सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है। अगर आज के टाइम में अगर आप कोई भी एक्सरे ले रहे हैं तो वो आपको इस तरीके के गन शेप का लेना है जो सिंगल हैंडेडली भी आपका पकड़ा जा सके। सेकेंड जो चीज जो मेरे को लगी है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है तो इसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है। आज के जो पोर्टेबल एक्सरेज आते हैं वो थोड़े लाइट वेट है, मेरे ख्याल से ये 1.5 किलो के आसपास का एक्सरे है, ये वाला लाइट वेट है। तो आपने कोई लाइट वेट एक्सरे लेने, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए आपके असिस्टेंट को अपने हाथ में ही इसको पकड़ के खड़ा होना, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और ऑब्जर्वेशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया, आप जीपी चेंज करोगे, इतने उसको तो हाथ में ही पकड़ के खड़ा होना है। तो आपको जितना लाइट वेट होगा उतना अच्छा होने वाला है। तो वेट एक कंसिडरेबल पॉइंट है और दूसरा इसका डिजाइन भी कंसिडरेबल पॉइंट है। अब इन 3 एक्सरे के अंदर से ये वाला जो एक्सरे है ये मेरा कॉर्डेड है। ये दोस्तों मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि ये जो जेनोरे के अंदर के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी बैटरी खराब हो गई थी, तो तब तक मेरी बैटरी रिप्लेसमेंट ना हो जाए तो मेरे को ये खरीदना पड़ा। वर्किंग फाइन। ये एक एसी एक्सरे है। एसी का मतलब क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे डीसी एक्सरेज है वो ये कहते हैं कि कहे जाते हैं कि दे आर सेफर फॉर अस, इसके अंदर रेडिएशन कम होती है, क्योंकि हमें डेली बहुत सारे शूट करने होते हैं, पूरी लाइफ करने होते हैं, तो हम जितनी रेडिएशन से एक्सपोजर कम लेंगे उतना बेटर है। क्योंकि हम में से बहुत ज्यादा बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो हर एक्सरे के अंदर लेड एप्रन पहनने वाले हैं, तो आपको ये तो पूरी लाइफ का सवाल है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक डीसी एक्सरे लो। और जो ये डीसी एक्सरे ये कॉस्टली होते हैं। अगर आप वॉल माउंटेड डीसी एक्सरेज भी देखोगे तो उनकी रेंज शायद 70-80 हजार रुपए से स्टार्ट होगी। जब इतने ही पैसे खर्च कर ले थे तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ना मैं पोर्टेबल एक्सरे ही ले लूं। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो यही था। लेकिन जब मैंने पोर्टेबल एक्सरे लिया तो मेरे को इसके अंदर बहुत बेनिफिट लगा। जैसे मैं जब मैं वॉल माउंट एक्सरे करा करता था तो मेरे को अपर प्रीमोलर में अपर 7 के एक्सरे लेने में बहुत दिक्कत होती थी, कई बार वो आगे नहीं देता था। लेकिन इसके अंदर मैं एंगुलेशन तो कुछ भी बना सकता हूँ। प्लस अगर किसी के पास 2 या 3 चेयर से ज्यादा सेटअप का है तो उसके लिए तो पोर्टेबल और भी बेस्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार आप सीजर आर्म, आपके पास 2 चेयर है और आप सीजर आर्म भी लगा रहे हो तो कई बार वो हर सरफेस को कवर नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अब इसकी चलते हैं कि इन तीनों में से कॉस्ट की क्या है। तो ये मैंने 1,15,000 रुपए का 2018 में लिया था। इसका अपग्रेडेड मॉडल शायद 1,30,000 रुपए के आसपास है। एलेरियो मैंने 92,000 का, ये 2022 की स्टार्टिंग में ही खरीदा है, तो ये 92,000 का खरीदा है एंड ये मैंने 23,000 का खरीदा है। अगर आप पोर्टेबल के लिए जाना चाहते हैं
अगर मेरे से इन तीनों में से पूछा जाए कि आपको कौन सा लेना चाहिए तो शायद मैं अलेरियो के लिए कहूँ, मैं जेनोरा के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से मेरे को अलेरियो इससे बेटर ही लगा। और जो मेन बात है जो मेरे को बाद में पता लगी बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि बैटरी रिप्लेसमेंट। जब मैंने इस एक्सरे जेनोरे के एक्सरे को जब मैं उससे कंपनी से पूछा कि मेरे को बैटरी खराब हो गई है, दे वर आस्किंग मी 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज तो मैं सुन के एक बार कहता हूं इससे बढ़िया तो एक नया एक्सरे ही ना ले लूं। तो इट वॉज वेरी हैवी प्राइस फॉर मी 30,000 में एक एक्सरे के लिए खरीदूं। तो जब मैंने ये इस एक्सरे का अलेरियो एक्सरे को खरीदना था तो कंपनी आस्क कि भी ये 3 साल में इसकी जैसे बैटरी की एक लाइफ होती है, एवरेज सभी की लाइफ होती है चाहे फोन की हो चाहे किसी की भी हो, तो 3 साल के आसपास ये बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। और उसके अंदर ये 10,000 रुपीज कंपनी वालों ने बोला। अभी तक मैंने कोई रिप्लेस नहीं कराया लेकिन कंपनी कहते हैं कि इसकी 10,000 की बैटरी। तो लकीली मैं इस वैसे ही खाली बैठा था 30,000 शॉक सुन के, तो मैंने ये सोचा कि बैटरी कंपनी तो बनाती नहीं होगी, शी मस्ट बी प्रोक्योरिंग फ्रॉम समवेयर। तो मैंने नेट से उसकी बैटरी की स्पेसिफिकेशन से चेक करा तो मुझे लकीली 3,000 की एक जेनरिक बैटरी मिल गई एंड विच इज वर्किंग फाइन फॉर मी फॉर पास्ट 6 मंथ्स। तो 30,000 रुपए तो लगाने से बच गया, लेकिन बैटरी अगर आप ओरिजिनल बैटरी की बात करो इट इज 30,000 विच इज अ बिग नो फॉर मी। अब बात करते हैं कॉस्ट की होगी, अब हो गया कि भाई इस बैटरी की एक बार आपने चार्ज कर लिया तो ये कितनी चलती है, कितने शूट करती है। तो दोस्तों एग्जैक्टली तो मैंने कभी काउंट नहीं किया कि भी मेरे कितने शूट होते हैं ऑलमोस्ट कि भी एक बैटरी भी चार्ज पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये 60-80 शूट आपके पर चार्ज बैटरी चार्ज के ऊपर आपको दे देती है, क्योंकि 60-80 मेरे 5-6 डेज के अंदर शायद होते होंगे तो मेरा इतना दिन निकाल देती है ये बैटरी। बात हम ये भी कर लेते हैं कि पोर्टेबल एक्सरे का क्या कोई एडिशनल बेनिफिट है। दोस्तों एडिशनल बेनिफिट तो बस यही है कि आप किसी भी एंगुलेशन के अंदर इसको शूट कर सकते हो और मल्टीपल चेयर्स के ऊपर आसानी से यूज कर सकते हो। तो कि मेरे को तो यही सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज लगा, और कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात डिसएडवांटेज की करें, क्या इस पोर्टेबल एक्सरे का कोई डिसएडवांटेज है? हाँ तो है दोस्तों, इसके अंदर आप एक्सरे शूट नहीं कर सकते अगर आप सिंगल हैंडेड हो। तो अगर जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था तो एक ही असिस्टेंट होता था, वो कभी छुट्टी भी कर लेता था। अगर मेरे पास उस वक्त ये पोर्टेबल एक्सरे होता तो मैं उस दिन आगे ये कर ही नहीं सकता था, क्योंकि असिस्टेंट छुट्टी पे और ये एक सिंगल हैंडेड में कर नहीं सकता। तो ये मेरे को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है पोर्टेबल एक्सरे का। सेकेंड बड़ा डिसएडवांटेज क्या लगता है मेरे को कि इसको है ना केयर से रखना है। भाई डर लगता है यार कि इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट है आप कहाँ रखो। तो मेरा जैसा एक शालीमार का क्लिनिक काफी छोटा है तो वहां पे तो इसको रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास। मुझे हर पास डर लगा रहता है कि कहीं मैं इसे गिरा ना दूं। तो अगर क्लिनिक आपका कंजेस्टेड है तो भी मैं ये कहूंगा कि वॉल माउंट एक्सरे लीजिए फिलहाल के लिए, जब तक आपका क्लिनिक बड़ा नहीं हो जाता। और लास्ट में चलते चलते तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये मेरे पास कोड वाला इंडियन मैन्युफैक्चरर, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी एक्सरे हो जाते हैं। एज अ मैंने इसको सब्स्टिट्यूट या स्टैंड बाई एक्सरे की तरह ही रखा हुआ है। ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि भाई ये एसी है तो इसकी रेडिएशन डोज शायद दूसरों से ज्यादा हो सकती है, मापने का तो कोई तरीका है नहीं। और दूसरा ये कि ये कोड होने की वजह से तो आपके पास एक सॉकेट पास में होना चाहिए आपके चेयर पे जिसको इसको लगा के शूट किया जा सकते हैं। अदरवाइज इट इज आल्सो फंक्शनिंग एज जेनोरे। थोड़ा इसको पकड़ने में जो इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा है ना यूजर फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इट वर्क्स। अगर बजट कम है एंड यू वांट सम पोर्टेबल तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप कोई किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए नीचे भी मेरे को सजेशंस जरूर देना दीजिएगा और उसको भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।